हाँ तो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि क्या बताऊँ, मेरा माइक ख़राब हो चुका था। माइक ख़राब नहीं हुआ था, उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मेरे को दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। शूट तो नहीं करनी पड़ रही, लेकिन मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हाँ तो गाइस, क्या हाल है भाई? तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज मैं काफ़ी टाइम की रिक्वेस्ट के बाद लेके आ गया हूँ बे व्हील्स। तो ये है भाई बे व्हील्स, तो देख सकते हो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे की वो मेरे माइक की वॉइस चली जा चुकी थी। तो भाई आज करेंगे हम बे व्हील्स की। हैशप्रो कंपनी से ये आते हैं और काफ़ी यूनिक चीज़ है भाई। एक टाइप से हम कह सकते हैं बे ब्लेड का हाइब्रिड कह सकते हो इसको। बे ब्लेड को हम एक टाइप से टेढ़ा करके चला दें तो वो बे व्हील्स बन जाता है, लेकिन बे ब्लेड बर्स्ट हो जाते हैं या फिर बे ब्लेड टूट जाते हैं। ये वाले टूटेंगे नहीं क्योंकि ये रबड़ से बने होते हैं, ठीक है। और वैसे देख सकते हो भाई इसका काफ़ी अच्छा कलर है और ये इसमें पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसका जो कलर है वो फेड हो चुका है क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो चुका है ये, देख सकते हो। और इसलिए यहाँ पे येलो है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश हो गया है, पता नहीं कैसा हो गया, ब्राउनिश। ये इसका स्टेडियम भी होता है यार, बाकी इसका नाम पढ़ सकते हो, ये वॉरियर स्लैश वॉरियर डिस्ट्रॉयर ऐसा कुछ नाम है इसका, काफ़ी सही है। ब्लू कलर ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा, तो अभी इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, ठीक है। देखते हैं भाई इसके अंदर क्या मिलेगा। चलो बाकी स्टार्टिंग में ही हमको दिख जाता है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि लॉन्चर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। और ये है बे व्हील्स ऑनलाइन कार्ड beybladebattle.com का, मतलब कर सकते हो इसको स्कैन क्योंकि मेरे को तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप लोग कर सकते हो। मैं इसको स्कैन नहीं करूँगा, स्कैन नहीं मतलब ये कोड डालना होता है शायद, ये कुछ स्लैश वॉरियर डिस्ट्रॉयर का कोड है, स्पीड टाइप है ये बे व्हील्स, ठीक है। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और आ जाते हैं यूज़र मैनुअल पे। तो ये इसका यूज़र मैनुअल थोड़ा सा बेसिक सा कह सकते हो, काफ़ी इजीली इसको असेंबल हम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो भाई अभी इसको रखते हैं साइड में। चलो भाई अभी इसको लॉन्चर को देख लेते हैं। लॉन्चर ब्राउन कलर का है और ये लॉन्चर लेफ्ट स्पिन होते हैं गाइस। और मेरा गला ख़राब है तो थोड़ी सी मेरी वॉइस डगमगा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेना यार एक दो दिन। तो ये इसकी एल ड्रैगो को भी इसे लॉन्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते वैसे, ये इनका थोड़ा सा जो ये है अटकाने वाला थोड़ा सा वाइड है, बे ब्लेड्स में नहीं फिट होता ये। तो ये आ जाते हैं हमारे बे व्हील्स का पार्ट्स। ये मेन है ब्लू कलर का, रबड़ का बना हुआ है पूरा का पूरा, पूरा बे व्हील्स ही रबड़ का बना होता है। तो ये ऐसे कुछ करते हैं इनको, अभी इसको इसके पेज को बंद करना है और देखते हैं भाई कैसे बंद करेंगे। वैसे बड़ा इजीली हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ओ हाँ, शायद मैंने इसको उल्टा लगाया है अभी इसको ठीक कर देते हैं, अब शायद इसको लग जाना चाहिए। और देख चलो भाई इसको घुमा लेते हैं। अरे भाई यार ये बंद क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं यार, शायद उल्टा लगा है, शायद पता नहीं जो भी है। अरे बंद हो जाए यार। अरे हाँ गाइस, इसको ना ये लेफ़्ट स्पिन है ना, तो इसको लेफ़्ट स्पिन करना होता है, भूल गया था मैं। तो अभी इसको लेफ़्ट स्पिन करते हैं, लेफ़्ट स्पिन में शायद हो जाएगा ये, देखो लेफ़्ट स्पिन में काफ़ी आराम से हो रहा है। और अभी इसको थोड़ा सा कस देते हैं ताकि निकलने लाए ये, ठीक है। अभी ये बिल्कुल फिट हो चुका है गाइस। तो चलो अभी इसको लॉन्च करके देख लेते हैं, लॉन्च करना, ठीक है गाइस। अभी इसको लॉन्च करके देख लेते हैं, और मेरा कैमरामैन थोड़ा सा ढीला है तो भाई मैनेज कर लेना। ओके, काफ़ी अच्छे से लॉन्च होता है, काफ़ी स्पीड में होता है। ओ भाई सही है, ओ शीरो को मिल गया भाई बे व्हील्स। शीरो को थोड़ा बढ़िया लगता है ये, पीछे पीछे भागता है इसके, ठीक है। अभी यहाँ से मैं उछाल के देखता हूँ ये उछाल के ऊपर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और बिल्कुल आराम से आ जाते हैं बे व्हील्स को, हम जंप करा सकते हैं ना इसलिए बड़े आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ भाई क्योंकि पूरी वीडियो ख़राब हो चुकी है। और देखो ये इतना ऊपर से उछल के भी आराम से आ जाता है, इस बार शीरो पकड़ लेगा इसको पंजे से तो ये होते हैं बे व्हील्स गाइस। ओके गाइस, तो ये होते हैं बे व्हील्स, देख लिया भाई कितने बढ़िया होते हैं। और इनका मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बेस लगा दूँ बे ब्लेड का, फिर इनको हम स्पिन करके देखेंगे कितने सही लगते हैं ये। और मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया लगेंगे क्योंकि ये लेफ्ट स्पिन होते हैं गाइस, और इनको स्पिन आराम से कर सकते हैं हम धरती पे भी।
और स्टेडियम में भी आराम से हो जाएंगे जब इनके नीचे बेस लग जाएगा कोई स्टेमिना टाइप वाला। तो ये स्टिल स्पिनिंग कितनी खतरनाक करेंगे समझ सकते हो, क्योंकि पूरे रबड़ से बने होते हैं ये। तो ये वाला जरूर करेंगे हम, पहले उससे पहले हम करेंगे बे व्हील्स की फाइट या फिर रेस, कुछ भी लगा लो, वो जल्दी ही आने वाली है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।